बड़ी खबर आ रही है राजकोट, मूसलाधार बारिश और सड़क पर भरा पानी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे राजकोट में इस वक्त हालात गंभीर बने हुए हैं। सिविल अस्पताल के बेसमेंट में घुस चुका है पानी। वही कई ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं जहां पर घरों तक पानी पहुंच चुका है। राजकोट में आज ही दो बांध के लिए चार दरवाजे खोले गए हैं। राजकोट के निचले इलाकों से लोग निकाले जा रहे हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। यानी कि हालात अभी भी राजकोट में गंभीर बने हुए हैं। वहां पर स्कूल कॉलेजेस को एहतियातन बंद कर दिया गया। ये राजकोट की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच कैसे अब इमारतें और बिल्डिंग्स इस पानी की चपेट में हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से भी पानी बरसने के कारण इस वक्त इस पानी की निकासी नहीं हो सकी है। गोपी घांगर हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। गोपी, राजकोट में क्या हालात बने हुए हैं? यहाँ राजकोट की अगर बात की जाए तो राजकोट में कल देर रात जो बारिश हुई, करीब 7 इंच तक ये बारिश हुई है, जिसके चलते लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जलभराव हो गया है। यहाँ तक कि जो इलाके हैं, जो राजकोट के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा पानी आ गया है। और यहाँ तक कि जो आजी बांध है उसके चार गेट को खोला गया है। दरअसल जिस तरीके से बारिश लगातार वहाँ पे हो रही है, करीब 7 इंच तक ये बारिश हुई है। लेकिन नेहा, आपको मैं दिखाती हूँ कि बारिश के बाद का तबाही का जो मंजर होता है वो कितना खतरनाक होता है। कल अहमदाबाद में बारिश हुई थी और अहमदाबाद में बारिश के बाद इसी कॉम्प्लेक्स में दो गाड़ियां तैरती हुई दिखी थी। आज आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी तो उतर गया है, लेकिन अब तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। करोड़ों रुपए की यहाँ के जो व्यापारी है, जिनकी दुकानें यहाँ पे थी, करीब 180 जितनी दुकानें यहाँ पे थी, उन सबको नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। किसी की मोबाइल की दुकान है तो किसी की बैटरी की दुकान है या किसी की घर के फर्नीचर की दुकान है, इन सभी दुकानों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा तबाही का मंजर। कल पहले मंजिल तक यहाँ पे पानी भरा हुआ था। ये दोनों गाड़ियां, आपने आपको याद होगा कि विजुअल्स में हमने दिखाए थे, ये दोनों गाड़ियां पानी के ऊपर तैर रही थी। लेकिन आज अब पानी तो निकल गया है, लेकिन तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। ये बताइए, हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? एक्चुअल में देखा जाए तो नुकसान की तो कोई गिनती नहीं है, मालूम नहीं हो सकता कितना हो सकता है। जब अभी फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से बिजनेस शुरू करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग 6-8 महीने, 1 साल तो पीछे हो गए बराबर। और अभी एक्चुअल में क्या था, कॉम्प्लेक्स में सारी सिस्टम की व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो बाहर रोड के ऊपर का जो पानी ओवरफ्लो हुआ ना, उसने ये हालत खराब कर दिया। तो अभी तक तो मेरी शॉप है नहीं यहाँ पे, मेरा दोस्त है। बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दुकानें हैं उनको जो नुकसान है वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो लोगों को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। और साथ ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तबाही के बाद वाली तस्वीर है जो यहाँ पे अहमदाबाद के जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे दिखाई दे रही है। जी।